झुंझुनू में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक बार फिर जिला प्रशासन और महिला बाल विकास विभाग की ओर से नवाचार करते हुए ऑनलाइन शपथ दिलाने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत करीब एक महीने में 2.5 लाख लोगों को ऑनलाइन शपथ दिलाई जाएगी। इस बीच जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैलेंडर का भी विमोचन किया। ये कैलेंडर जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में लगाए जाएंगे। इस बीच जिला कलेक्टर ने बताया कि एनीमिया मुक्त झुंझुनू बनाने के लिए आज से शुरुआत की गई है, जिसमें महिलाओं को अच्छा पोषण दिया जाएगा। जो अधिकारी हैं और हमारा जो स्टाफ है लगातार ऐसी महिलाओं का सर्वे करके और उन महिलाओं का हीमोग्लोबिन जिनका कम है उनका हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा। विभिन्न तरह की दवाओं के साथ साथ खाद्य सामग्री और आवश्यक और भी जो भी उपयुक्त होगा उनका इलाज कराने इसके लिए प्रयासरत रहेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार इसको एक नई ऊर्जा से इसके साथ शुरुआत करने के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके तहत हमने एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की महाशपथ ऑनलाइन दिलवाने का कार्यक्रम रखा है। कारण ये कोविड के कारण सारे कार्यक्रम बंद है, तो हमारी जो है कि कम से कम 2,51,000 परिवारों से इस पद दिलवाई जाए। इसके साथ ही एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैलेंडर का विमोचन भी किया गया जो लोगों में इस चीज का प्रसार प्रसार करेगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज थी कि स्वास्थ्य पोषण और स्वरोजगार, महिलाएं जब तक सशक्त नहीं होंगी तब तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का सही अर्थों में उसका इम्प्लीमेंटेशन धरातल पर नहीं होगा। तो हमने इन्हीं में आप मुक्त झुंझुनू कार्यक्रम का शुरुआत किया गया जो मेन फोकस है। उसके साथ जब भी उन महिलाओं से हम संपर्क करेंगे तो हमारा कोशिश रहेगा कि उनको जो भी कोई सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाना है वो दिलवाया जाए। हमारे यहाँ महिला बाल विकास विभाग झुंझुनू में महिलाओं को एनीमिया मुक्त कराने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास क्षेत्रीय ग्रामीण महिलाओं को उनसे बहुत अत्यधिक फायदा होगा। आज महिला बाल विकास विभाग की ओर से एनीमिया मुक्त झुंझुनू अभियान की शुरुआत की गई है, जिसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर रहे हैं हम ग्राम पंचायत आबूसर से। इससे महिलाओं में ये होगा कि जिनमें हीमोग्लोबिन की कमी है, जो एनीमिया से ग्रस्त महिलाएं हैं उनको उनके लिए हम एक मेडिकल कैंप का आयोजन करेंगे, जिनमें सभी महिलाओं को की मेडिकल हीमोग्लोबिन की जांच की जाएगी, जिससे महिलाओं के हीमोग्लोबिन का पता लगा सके। उनमें जो एनीमिया की कमी है उसको हम दूर करने के लिए उनको आयरन की टेबलेट वगैरह वितरित करवाएंगे।